ये सवाल अक्सर मैं अपनी क्लास में ही बच्चों से पूछता हूँ, जब मैं पूरा IFRS 2 पढ़ा चुका होता हूँ ना, एंड में मैं ये पूछता हूँ। बच्चे बड़े एटीट्यूड दिखा रहे होते हैं ना, और कभी कभार ये सवाल इंटरव्यू में पूछा जाता है, जब कभी नेक्स्ट लेवल का कभी जो इंटरव्यू होता है IFRS का, यानी कुछ इदारे, कुछ ऑडिट फर्म्स भी ऐसी हैं बिग फोर में जहाँ वो ठीक ठाक IFRS पूछती हैं। तो ज़रा गौर से सुने, बच्चे को आपने सब पढ़ा दिया, इक्विटी सेटल्ड, कैश सेटल्ड, शेयर बेस्ड पेमेंट ऑप्शन, सारी चीज़ें पढ़ा दी। अब मैं बच्चे से एक सवाल पूछता हूँ, मेरी तरफ गौर से देखिएगा। मैं बच्चे को बोलता हूँ कि देखो, आप मेरे पास जॉब कर रहे हो और आज मैंने आपको बोला कि अगर आप फला टारगेट मीट कर दोगे या कोई भी काम कर दोगे या स्टॉक टर्नओवर को संभाल लोगे या जो भी, तो मैं आपको अपनी फला ब्रांच के 50% प्रॉफिट्स कैश की फॉर्म में दूंगा। फला ब्रांच के 50% प्रॉफिट किस फॉर्म में दूंगा? कैश की फॉर्म में दूंगा। अब मुझे बताओ, ये इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट है या कैश सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट है? तो बच्चे को जब आप उंगलियां दिखाते हो ना, तो 90% टाइम बच्चा बोलता है कैश सेटल, क्योंकि आपने पैसे देने हैं। जवाब आंसर इसका, ये IFRS 2 के स्कोप में ही नहीं है, ये IFRS 2 के स्कोप में ही नहीं है। आप मेरी बात सुने, IFRS 2 कब अप्लाई होता है? IFRS 2 का नाम क्या है? शेयर बेस पेमेंट। शेयर बेस पेमेंट, आप अपने इदारे के शेयर्स दो या उस शेयर्स की मार्केट वैल्यू कैश की फॉर्म में दो, तब जाके IFRS 2 अप्लाई होगा। जरा सोचो, यहां तो आपने अपने एम्प्लॉय को क्या बोला, मैं आपको फलां ब्रांच के प्रॉफिट दूंगा, तो ये तो शेयर बेस पेमेंट ही नहीं है। तो बच्चे ने कहा, फिर ये किस IAS में आएगा? आप अपने एम्प्लॉय को बेनिफिट दे रहे हो ना, एक बोनस या कुछ इस तरह का, तो ये IAS 19 में आएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट। एक और सवाल मैं बच्चों से पूछता हूँ अक्सर, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। लेटेस्ट से मैं मिर्चावाला इंस्टीट्यूट का ओनर हूँ और ये एक लिस्टेड इदारा है प्रॉपर, और मैंने अपने एम्प्लॉय को मिर्चावाला इंस्टीट्यूट के अंदर बोला, मैंने कहा यार, अगर तुमने फला टारगेट मीट कर दिया, या मैंने किसी टीचर को अपने बोला कि तुमने 100 बच्चों को पास करवा दिया, इस तरह कर दिया, तो अब मैं तुम्हें मिर्चावाला इंस्टीट्यूट में बैठ के उसको बोला, अब मैं तुम्हें यूनिलीवर के 1000 शेयर्स दूंगा, यूनिलीवर के 1000 शेयर्स। सवाल यह है कि क्या इस पे IFRS 2 अप्लाई होगा? जवाब नो, क्योंकि IFRS 2 के स्कोप में लिखा हुआ है कि आप कुछ सर्विसेज वगैरह ले रहे हैं, उसके अगेंस्ट या तो आप पेरेंट कंपनी अपने शेयर्स दे, या अपने ग्रुप ऑफ कंपनी के शेयर्स दे, या उसके बकदर मार्केट प्राइस दे। तो ये कुछ ऐसे डॉज हैं जो कई बार इंसान एंड टाइम पे घबरा जाता है, तो इसमें ज़रूर अपने आप को इन चीज़ें सीखें, अपडेट करें। अगर पसंद आया तो कमेंट ज़रूर करें, आपका कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।